अलबेला का मतलब है मस्त रहते हैं, कोई चिंता नहीं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। ये तो यहाँ गाते हैं लेकिन झूठा गाते हैं। अलबेला उन्हें कहते हैं जिनको कोई बात की चिंता नहीं रहती। यहाँ तो बीसियों चिंताएं रहती है मनुष्यों को, वास्तव में अलबेले रहते हैं सतयुग में देवताएं, जहाँ देवताओं को जिंदगी में कोई प्रकार की चिंता नहीं रहती। जैसे यहाँ बाबा सिखाते हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। यहाँ तो ज्ञान के आधार पर सब चिंताएं खत्म कर देते हैं, वहाँ आत्मिक स्थिति के आधार पर सारी चिंताएं खत्म हो जाती है, कोई चिंता की जरूरत नहीं। ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्ति, हाँ मुक्ति। ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला नहीं, ब्रह्मा कहो जगदम्बा कहो, अर्थ दोनों का एक ही है। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। जरूर उनको सफलता हाथ में नहीं लगी होगी। जो सिद्धि स्वरूप बनते हैं, सफलता स्वरूप बनते हैं, उनका गायन होता है, उनका पूजन होता है। तो दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की भल पूजा नहीं होती है, मूर्तियां नहीं बनती हैं, मंदिर नहीं बनते हैं। वो शरीर की बात है, परंतु वही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जब कोई माता के चोले में प्रवेश करती है तो जगदम्बा के रूप में गाय पूजी जाती है और मूर्तियां भी पूजी जाती है। माता गुरु बिगर उद्धार हो न सके। माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती हैं। उन माताओं में मुख्य माता है जगदम्बा। इसलिए गायन है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है स्वर्ग की, बाकी दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है, स्वर्ग की स्थापना नहीं होती है। शंकर द्वारा मुक्ति का मतलब है दुनिया ही खलास हो जाती है बंधन वाली, तो बंधन वाली दुनिया से मुक्ति हो जाती है। शरीर ही छूट जाते हैं, जिन शरीरों के आधार पर बंधन मिलता है। नई दुनिया में आत्माएं जब आती हैं तो शरीर सतो प्रदान होते हैं, बंधन की बात ही नहीं। शरीर सुखदाई होते हैं, पांच तत्व ही सुखदाई बन जाते हैं। बंधन दुखदाई का होता है, सुखदाई का बंधन थोड़े ही कहा जाता है। क्या इशारा देके छोड़ दिए? अरे इशारा दिया है तो इशारा तो बता दो। हाँ, और आंदोलन भी हो रहा है, आंदोलन भी हो रहा है। ब्राह्मण परिवार में भी करप्शन चल रहा है, यहाँ भी आंदोलन होते रहते हैं। आंदोलन माने दिल आंदोलित करता रहता है, एक दूसरे को हिलाते रहते हैं। भगवान आया है तो भगवान के घर में ऐसे क्यों होता है? अरे भगवान ने तो जवाब दे दिया कि मधुबन में माया आती है या नहीं आती है। मधुबन में भी माया आती है,
तो माया का काम है आंदोलित करना। अंतर्भाग शरीर माने मनसा के द्वारा संकल्पों से जो हम बाहर की दुनिया में घूमते हैं, मन बुद्धि बाहर चली जाती है। जब मन के अंदर एकाग्रता होती है तो अंतर्भाग नहीं कहेंगे, बाहक तब कहा जाता है जब एक जगह से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। देवताएं अंतःभाग शरीर से नहीं घूमते हैं। जब पाप कर्म करते हैं तो अंतःभाग शरीर मिलता है, जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। एक तारा कहते हैं उसे, एक तार होता है उसमें। एक तारा का मतलब है उनकी बुद्धि एक में ही लगी हुई है, दूसरे कोई में नहीं लगी हुई है। वो एक कौन है? हैं? हैं? हाँ, उनका कॉन्सेंट्रेशन एक तार में लगा हुआ है, इसलिए एक तारा दिखाया जाता है। इसी तरह किसी को फ्रूट दिखाया, मुरली विष्णु को मुरली दिखाया, कृष्ण कृष्ण को मुरली दिखाई, कृष्ण को मुरली दिखाई जाती है। हाँ, मुरली की मीठी तान होती है। ये मीठी तान शिव ने ब्रह्मा के द्वारा बोली है। ये ऐसी मीठी तान है जो कोई को बुरी नहीं लगती। नाम दे दिया है बांसुरी, सुंदर सुर निकलते हैं। कहां नगाड़े की आवाज और कहां बांसुरी की सुरीली आवाज, बहुत अंतर पड़ जाता है। ज्ञान की मीठी मीठी वाणी जो सबको भली लगती है। शिव के मंदिर में नगाड़ा बजाया जाता है, वो बादलों की तरह गड़गड़ाहट करता है, तीखी आवाज होती है, जोर से होती है। भय पैदा करने वाली है। सबको हड़काए देती है। तो ये वाद्य यंत्र दिखाए हुए हैं, ये संगम युग के वाद्य यंत्र हैं, ज्ञान के वाद्य यंत्र हैं। दानी वरदानी और महादानी, इनका अंतर चाहिए। दानी उन्हें कहा जाता है जो खुद त्याग करता है और दूसरों को देता है।
वरदानी उनको कहा जाता है जो श्रेष्ठ दान देता है। वर माना श्रेष्ठ है, दानी माने दान करने वाला। ज्ञान का दान ही वरदान है, इससे श्रेष्ठ ज्ञान दान और कोई होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान भगवान से आता है। भगवान का दिया हुआ ज्ञान दूसरों को देना यही बड़े से बड़ा वरदान है। और महादानी उन्हें कहा जाता है जो अपना सारा जीवन त्याग तपस्या में लगाए देते हैं, दूसरों को दान करने में ही लगाए देते हैं, अपने लिए परवाह नहीं करते हैं, उन्हें महादानी कहा जाता है। और भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में कौन बाबा? नौ ग्रह हैं। वो नौ ग्रह है, उनके अधिपतियों का नाम ग्रहों के रूप में रखा गया है। जैसे धर्म है नौ जो भगवान को फॉलो करने वाले हैं, परंतु एक जैसा फॉलो नहीं करने वाले हैं। कोई भगवान को पूरा जानते हैं, पूरा फॉलो करते हैं, कोई अधूरा जानते हैं, अधूरा फॉलो करते हैं। तो राहु और शनि ये भी ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को पूरा नहीं पहचाना है। अधूरा पहचाना है, फिर भी इनके फॉलोअर्स उनको भगवान के रूप में मानते हैं, देवता के रूप में मानते हैं। हैं तो आसुरी धर्म स्थापन करने वाले, ये दशाएं हैं, इनको फॉलो करने वालों के ऊपर इनकी दशाएं बैठती हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहा जाता है बृहस्पति, बड़े ते बड़ा गुरु। पतियों का पति कहा जाता है, वो तो स्वयं भगवान का रूप है। और निष्कष्ट से निष्कष्ट, नीचे ते नीची दशा कही जाती है राहु की। राहु से थोड़ा अच्छा है शनिदेव, उसमें एक विशेष गुण भी है, वो दोस्ती अच्छी निभाता है। बाकी और तो अवगुण बहुत हैं, उसके राज्य में सदैव त्राही त्राही मची रहती है। परंतु त्राह त्राह करने वाले भी उसे ईश्वर के रूप में मानते हैं। भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं। आता है बाप को, बुद्धिमान बाप को बुद्धिमान बच्चे विशेष प्रिय है, और
बुद्धिमान बाप को बुद्धिमान बच्चे विशेष प्रिय हैं ऐसे नहीं आता है, ये आता है बाप को ज्ञानी तू आत्मा विशेष प्रिय है। फिर कभी आता है कि बाप को भावना वाली बच्चे बहुत प्रिय है, तो कौन से बाप को क्या? ज्ञानी तू आत्मा जो है वो जानकार आत्मा है, जानने वाली है असलियत को। तो जो असलियत को जानने वाले हैं वो तो भगवान को प्रिय हैं, ये तो अच्छी बात है। बाकी जो बुद्धि का कमाल दिखाते हैं वो भगवान को प्रिय नहीं है, क्योंकि बुद्धि अच्छे रास्ते पर भी चलती है और बुद्धि उल्टे रास्ते पर भी चलती है। वैज्ञानिकों की बुद्धि बहुत तीखी है, लेकिन अच्छे रास्ते पर चलती है या बुरे रास्ते पर चलती है, नुकसान का काम उनकी बुद्धि ज्यादा करती है। दुनिया की जिस डाल पर बैठे हुए हैं वो डालियां ही काटने का काम उन्होंने एटम बम बनाई लिया। एटमिक एनर्जी उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, इस शक्ति से वो सारी दुनिया का ध्वंस करने के लिए तैयार बैठे हैं। निर्माण नहीं कर सकते नई दुनिया का, लेकिन ध्वंस कर सकते हैं। और भगवान क्या करता है, भगवान की बुद्धि क्या करती है? भगवान बुद्धि माने मत, भगवान जो मत हमको देते हैं, जो बुद्धि हमको देते हैं, उससे भगवान और भगवान के बच्चे क्या करते हैं? नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो कितना बड़ा फर्क हो जाता है, वो पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं, सारी दुनिया का संहार करते हैं, और हम नई दुनिया का भगवान की मत पर निर्माण करते हैं। तो भगवान को कौन से बच्चे प्रिय होंगे? बच्चों में बुद्धि नहीं है तो बुद्धि भगवान से लेते हैं। वैज्ञानिकों में अपनी बुद्धि है, उन्हें भगवान की दरकार नहीं है, लेकिन बुद्धि कैसी है, तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान बुद्धि है। तो तामसी बुद्धि होने के कारण भगवान बुद्धिमानों को पसंद नहीं करता, ज्ञानी तू आत्माओं को पसंद करता है। भगवान का सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए हम बच्चे क्या करें? मैदान में आ जाओ, हैं? सेवा के मैदान में आ जाओ, घर से शुरुआत करो, ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर से लड़ाई शुरू कर दो। कोर्ट में हम जावेंगे या जिसके पास जवाब नहीं आवेगा वो जावेगा? हम पीछे पीछे जावेंगे कि आगे आगे जावेंगे, हैं? हम पीछे पीछे जावेंगे। और के लिए बाप दादा ने बताया भगवान करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप बनाओ, तो हमें कैसे बनाओ? बाप का काम दुनियावी ज्यूरिस्ट बिंग करेंगे, जो बाप को पहचानते ही नहीं। उनके पास इतनी निर्णय शक्ति नहीं है कि वो बाप को पहचान सकें और फॉलो कर सकें।
वो आवाज उठाएंगे गीता की भगवान की? या ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ज्यूरिस्ट बिंग हैं जो फैसला करके दिखाते हैं, अपने मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से फैसला करके दिखाते हैं कि ये भगवान है? भगवान का असली रूप ये है और यही गीता का भगवान है। कहां से ढूंढेंगे ज्योतिष बिंग को? बाहर की दुनिया में ढूंढेंगे या अंदर की दुनिया से मिलेंगे? ब्राह्मणों की अंदर की दुनिया में है, ब्राह्मणों की दुनिया में ही कन्वर्ट होकर के देवताएं बनते हैं नंबर वार, और वो नंबर वार देवताएं ही कन्वर्ट होकर के फिर और धर्मों में कन्वर्शन होता है। तो गीता के भगवान को जानने वाले भी ब्राह्मणों की दुनिया में है नंबर वार, वो ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। और मालिक राम बाप बनता है, जैसे धर्म के क्षेत्र में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा, राम का मंदिर कहो, शिव का मंदिर कहो या नारायण का मंदिर कहो, ऐसे ही राज्य के क्षेत्र में भी जितनी भी राजाइयां संसार में फैली हुई हैं सब चलने लग पड़ेंगी। एक ही राज्य दुनिया में कायम हो जाएगा। मिलिट्री शासन, वही मिलिट्री शासन ही, ये रूहानी मिलिट्री है हमारी, उनकी है जिस्मानी मिलिट्री और हमारी है रूहानी मिलिट्री। रूहानी मिलिट्री की मुख्य पावर क्या है? जिस्मानी मिलिट्री की मुख्य पावर क्या है? जिस्मानी मिलिट्री हिंसा करती है और रूहानी मिलिट्री अहिंसा का रास्ता अपनाती है। अहिंसा भी दो प्रकार की है, एक जिस्मानी और एक पवित्रता की। हम काम कटारी की हिंसा से भी बचते हैं और बचाते हैं। ये पवित्रता की पावर से दुनिया में सारे काम होते हैं। पवित्रता की पावर से ही नई दुनिया की स्थापना होगी। वाइब्रेशन से ही परिवर्तन होने लगेगा। शिव शंकर तो एक कर दिया भक्ति मार्ग में, क्योंकि शिव शंकर के द्वारा आकर के सारा कार्य करते हैं।
लेकिन शंकर पुरुष है या स्त्री चोला है? है पुरुष चोला, और पुरुषों के लिए बताया है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। तो दुर्योधन दुशासन के द्वारा पतितों को पावन बनाने का कार्य संपन्न होगा या कन्याओं माताओं के द्वारा पतितों को पावन बनाने का कार्य संपन्न संभव है? कन्याएं माताएं ही निमित्त बनती हैं, क्योंकि कन्याएं माताएं प्रैक्टिकल में ज्ञान को उठाती हैं। प्रैक्टिकल में पवित्रता का निर्वहन करने वाली बनती हैं। पुरुष चाहे अपनी शक्ति से हम पवित्र बन जाएं तो नहीं बनेंगे। हाँ, कन्याएं माताएं अगर आमादा हो जाएं तो ऐसा वाइब्रेशन तैयार कर सकती हैं जिसे संसार में पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाए। इसलिए अव्यक्तवाणी में भी बोला हुआ है, विजयमाला का आवाहन करो, क्योंकि रुद्रमाला पुरुषों की है या स्त्रियों की है? पुरुषों की है। चोले से भले स्त्री चोले वाले हों तो भी जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार पुरुष के हैं या स्त्री के हैं? हैं? पुरुषों के हैं। इसलिए वो अकेले कामयाब नहीं हो सकते। रुद्रमाला पहले तैयार जरूर होती है परंतु कामयाब नहीं हो सकती, उन्हें प्रवृत्ति अपनानी पड़े। ये जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं रुद्रमाला में, जो पुरुष प्रवृत्ति के हैं, आक्रामक प्रवृत्ति के हैं, हिंसा से बाज नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें विजयमाला का आधार लेना जरूरी है। विजयमाला निकलेगी तो प्रैक्टिकल में पवित्रता का निर्वहन करेगी और विजय संपन्न हो जाएगी। इसके लिए शास्त्रों में अंधे और लंगड़े की कहानी दिखाई गई है। विषय सागर कहो, विषय वैतरणी नदी कहो, लंगड़ा उसे पार कैसे करेगा? लंगड़ा तो डूब जाएगा। जानता तो है लेकिन टांग टूटी हुई है पवित्रता की। इसलिए अंधे को आवाहन करता है, अंधा लंगड़े को आधार देता है, फिर दोनों का काम बन जाता है। तो विजयमाला के मन के हैं ज्ञान के अंधे और रुद्रमाला है पवित्रता की लंगड़ी। ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान के चक्षु हैं, परंतु पवित्रता की पावर न होने के कारण विषय वैतरणी नदी को क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए पवित्रता मुख्य है, गंगा को आगे रखा गया है। गंगा विजयमाला का मणका है या रुद्रमाला का मणका है? हैं? कहाँ का? गंगा भी रुद्रमाला में है पहले, गंगा बीज रूप में भी है, आधार मूर्त में, जड़ तो बाद में बनती है। तो ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है कि जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी।
वो संन्यास धर्म की आत्मा है। कौन सी नदी को विशेष मानती है? गंगा नदी को विशेष मानती है। अपना मुखिया किसको मानती है? गंगा को मानती है। जो बहुत सर्वसेबल बच्चे होते हैं उनको प्यार में बाप आकर के सर पर रख लेते हैं। जैसे अष्टदेवों को आठ मणकों को सर पर रखा हुआ है, ऐसे ही गंगा को भी सर पर उठा के रखा हुआ है। गंगा निमित्त बन जाती है पतितों को पावन बनाने के लिए। तब तक शिव का साकार चोला जो पुरुष रूप में है वो भी कुछ नहीं कर सकता, जब तक गंगा मैदान में न निकले। वो गंगा दक्षिण भारत से नहीं निकलती है। दक्षिण भारत की आत्माएं भले निकलती हैं, भगवान को पहले पहचानती हैं, परंतु पतितों को पावन बनाने का सिलसिला शुरू नहीं होता। ये सिलसिला शुरू होता ही तब है जब उत्तर भारत से गंगा निकलती है। गंगा के पीछे पीछे सन्यासियों की मंडली निकलती है जो जन्म जन्मांतर पवित्रता को विशेष महत्व देती रहे। ये पावरफुल सन्यास धर्म की आत्माएं निकलेंगी तो तुम बच्चों अर्थात रुद्रमाला के मणकों की विजय हो जाएगी। और ये चित्र बनाए किसने हैं? ये ढेर के ढेर चित्र किसने बनवाए? ये ढेर के ढेर चित्र बनवाए हैं माया की मत पर। बाप ने कितने चित्र बनाए बनवाए? चार चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति, झाड़, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी। शिव बाबा के 32 करोड़ वाला चित्र भी अच्छा है। ये मुख्य मुख्य चार छह चित्र हैं जो बाबा ने तैयार कराए थे। बाकी चित्र तो मनुष्यों की मत पर बनाए गए हैं, जिसके मन में जो आया सो बनाए दिया। आज वो चित्र छपाने वाला विष्णु पार्टी में मुखिया बना बैठा है। भक्ति मार्ग में भगवान को जान और बलि देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को जानवर की बलि देते हैं। जानवर की बलि देते हैं। देवियों को बलि चढ़ाते हैं और शिव को भी बलि चढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि भगवान जब आते हैं तो बलि चढ़ाने का सिलसिला शुरू होता है। बलि चढ़ना अर्थात अर्पण में होना, समर्पण होना, तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों से अर्पण होना, माना बलि चढ़ना। देवियों पर जालियों जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। इसका मतलब जो जानवर बुद्धि हैं वो मां काली पर बलि चढ़ते हैं। दुर्गा पर बलि नहीं चढ़ाई जाती है, महाकाली जो चंडिका का रूप धारण करती है
विनाश के निमित्त बनती है, असुर संहारिणी कही जाती है। वो असुरों का, जानवर बुद्धियों का जो पाप है उसकी बलि चढ़ाई लेती है। जैसे देवी के ऊपर बकरे की बलि चढ़ाते हैं, अर्थात मैंपन का अहंकार बलि चढ़ता है, कोई बकरे की बलि चढ़ाने की बात नहीं है। द्वापर के शुरुआत में मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती थी, वास्तव में मनुष्यों में जो मन का अहंकार होता है, मैं ही सब कुछ हूँ, जो करता हूँ वो मैं करता हूँ, वो मैंपन का अहंकार मनुष्यों का मन अर्पण कराया जाता है, मन से ही मनुष्य बनता है। बाकी हिंसा की तो कोई बात नहीं है, भगवान आते हैं तो कोई हिंसा थोड़े ही कराते हैं। और ब्राह्मणों की दुनिया में शुरुआत होती है, तब दुनिया में चलता है। बाप आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं तो दुनिया वालों को भी फॉलो करना पड़ता है। उसका कुछ असर नहीं होगा। क्यों नहीं असर होगा? उसका बहुत असर होगा। वहाँ तो अज्ञानी है माताएं और कन्याएं, और यहाँ तो कन्याएं माताएं ज्ञानी हैं, उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ है। अज्ञानी होने के कारण वो विनाश के निमित्त बनेंगे, और यहाँ तो ज्ञानी है इसलिए स्थापना के निमित्त बनेंगी, नई दुनिया का संगठन बनाएंगी। फर्क क्यों नहीं है? बहुत बड़ा फर्क है। वहां प्योरिटी को महत्व नहीं दिया जाता, अपवित्रता को ही महत्व दिया जाता है। वो कन्याएं माताएं दागली पढ़ाई को ही महत्व देती हैं, और यहाँ कन्याएं माताएं दागली पढ़ाई को महत्व नहीं देती हैं, गॉडली पढ़ाई को महत्व देती हैं। इसलिए नई दुनिया का निर्माण होता है। गॉडली पढ़ाई है पवित्र बनाने वाली, और डॉगली पढ़ाई है डॉग एंड विचेस बनाने वाली। और ओम शांति। ईव कौन है? जगदम्बा कौन है? हाँ, एक ही है तो कौन है? ब्रह्मा है। शरीरधारी के ऊपर नाम पड़ता है या आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है? तो जगदम्बा शरीरधारी है या उसके अंदर प्रवेश हुई आत्मा शरीरधारी है? दूसरी बात, शुरुआत पहले रुद्रमाला के मणकों से होगी या विजयमाला के मणकों से होगी? है, बीज से पहले शुरुआत होती है।
तो रुद्रमाला के मणकों में बीज हैं, उनमें एक जगदम्बा भी है। जगदम्बा ही लास्ट मणका है। और जो बीज हैं वो उतने जड़त्वमय नहीं है, उनमें ज्यादा चैतन्यता है। रुद्रमाला का आखिरी बीज सबसे जास्ती जड़त्वमय है, इतना जड़त्वमय है कि वर्षों बाप का संग करने के बावजूद भी जो मुरली में बोला है, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते, इतनी जड़त्वमयी है। गायन बना पड़ा है, सबसे जास्ती मिलन मेला की यादगार किसकी बनती है? जगदम्बा की बनती है। 500 करोड़ आत्माओं के बीच जितना जगदम्बा ने मिलन मेला मनाया उतना और कोई ने भी। 16,000 गोपियां गाई जरूर गई हैं, लेकिन मिलन मेला सबसे जास्ती किसने मनाया? जगदम्बा ने। तो जड़ तुम्हें ही कहेंगे या चैतन्य बुद्धि कहेंगे? जड़ तुम्हें ही बुद्धि। ब्रह्मा को कहेंगे है, जो षष्टि सतो प्रधान षष्टि का पहला पत्ता है, में पांडवों का अज्ञातवास वेद में शुरू हो रहा है। और जगदम्बा रूपी पृथ्वी की धुरी चेंज होनी चाहिए, होगी। क्या इस समय से जगदम्बा एडवांस में आके, अरे जगदम्बा अभी एडवांस में नहीं है क्या? है एडवांस में तो अभी भी है, लेकिन घूंघट में है। कोई को दिखाई पड़ती है, कोई को नहीं दिखाई देती। तो क्या इसी समय से जगदम्बा एडवांस में आके राजाई शुरू करेगी और बाबा गुप्त हो जाएंगे क्या? अव्यक्त वाणी में तो बोला गया है आज से 10-12 साल पहले की अव्यक्तवाणी में ही बोल दिया, दुनिया की नजर वालों से, दुनिया वालों की नजर से बाप दादा गुप्त हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। 2000 के आसपास ये चली हुई अव्यक्तवाणी है। तो बाप दादा बच्चों की नजरों से गुप्त हो सकते हैं क्या? जो बाप के बच्चे हैं उन बच्चों की नजरों से बाप दादा गुप्त नहीं हो सकते, और कोई दूसरे से प्रभावित हैं तो गुप्त होना संभव है या असंभव है? संभव है। हाँ,
मम्मा बाबा को तुम बाप दादा समझते हो मूल रूप में? नहीं तो क्यों बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो फिर? अरे तुम कौन से मम्मा बाबा की बात कर रहे हो? मम्मा बाबा तुम ब्रह्मा सरस्वती को कहते हो क्या? फिर ब्रह्मा सरस्वती के लिए नहीं बोला, बाप दादा के लिए बोला। ब्रह्मा सरस्वती नहीं, बाप दादा। बाप दादा बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं। शिव बाप तो मुकर्र रथ में ही आता है। खत्म होने लगा है ना? 2012 के बाद क्या पांडव का अज्ञातवास खत्म होने लगा है ना? उस समय क्या होगा? तो जगदम्बा का तो प्रकाश होगा है? जगदम्बा उसको तो बुरी चेंज हो जाएगा। पांडव का जो अज्ञातवास उसमें खत्म होने लगा है ना? 12 वर्ष हो गया। 12 वर्ष कहाँ हो गया? 12 वर्ष 98 से बाबा तो खुद तो होगा दुनिया के बारे में, लेकिन 12 वर्ष का इसमें होना 2012 में। हाँ तो वर्ष तो खत्म होने वाला है ना? हाँ खत्म होने वाला है, अभी हुआ तो नहीं। ना कुछ तो बात क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? यहाँ कोई ज्योतिषी बैठे हैं क्या? ब्राह्मण की दुनिया में क्या होगा? यहाँ ज्योतिषी बैठे हैं। जब होगा तब देखा जाएगा, ड्रामा की रील खुलेगी तो हम भी देखेंगे, तुम भी देखोगे। है ठीक है। हाँ जी क्यों? वो आत्मा सेवा नहीं कर सकती? उस आत्मा के मुकाबले प्योरिटी और देवियों में ज्यादा है क्या? सबको चैलेंज दे लेते। और देवताओं के चित्र कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे? और देवताओं के नंबर वार बनेंगे या नंबर वन के मुकाबले ही बनेंगे? नंबर वार ही बनेंगे। क्या क्या एक बार फिर बोलो। आज टीवी में दिखाया, मुरली में क्या बताया वो नहीं, आज टीवी में दिखाया कृष्ण का पांचजन्य संख्य किसी गाय के सामने रखने से ही गाय दूध देने लगती है, इसका बेहद अर्थ क्या है? अरे शंख किसे कहा जाता है? है ये मुख क्या है? ये मुख ही शंख है। गीता में, महाभारत में और भागवत में पांचजन्य शंख भगवान को दिखाया है। तो जो भगवान मुख से वाणी बोलते हैं वही शंख ध्वनि है।
और वो शंख ध्वनि खास किसके लिए चलाई जा रही है, है? माताओं कन्याओं से ही बाप आशा रखते हैं, और माताओं कन्याओं में भी मुख्य माता कौन है? जगदम्बा, वही कामधेनु गौ है जिसके सामने शंख बजता है तो पवित्र दूध देती है। जगदम्बा यज्ञ में दिखाई नहीं पड़ती एडवांस में, लंबा टाइम हो गया, लेकिन उसकी चलाई हुई वाणियां कैसेट्स तो मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? उन वाणियों में कोई ऐसी वाणी है जो बाबा की वाणी को क्रॉस करने वाली हो? है, है? नहीं है? है? नहीं है। इससे क्या साबित हुआ कि भगवान बाप जो सुनाते हैं उसे सुनाए हुए को एक्यूरेट समझ करके सुनाने वाली कौन है? जगदम्बा है। ऑडियो कैसेट भी है। बाबा ने बोला है कि तुम बच्चों को एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए, तो बाबा एक्यूरेट चित्र का मतलब क्या है? त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए, जो चित्र 30x40 इंच के अवेलेबल हैं उनमें एक्यूरेट चित्र हैं त्रिमूर्ति के, या कोई एक्यूरेट है और कोई इनएक्यूरेट है? एक ब्रह्मा का चित्र एक्यूरेट है और बाकी विष्णु और शंकर का एक्यूरेट नहीं है, कल्पना से बनाया हुआ चित्र है। तो बच्चों को डायरेक्शन दिया कि तुम बच्चों को एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए, माने वही फोटो होना चाहिए, वही चेहरा महारा देखने में आना चाहिए जो शंकर का संसार में प्रसिद्ध होता है। वैष्णवी देवी का संसार में वो चेहरा प्रसिद्ध होता है, लेकिन वो चेहरा तो नहीं है, तो कहेंगे अभी एक्यूरेट चित्र नहीं है, एक्यूरेट चित्र छपाना चाहिए। तो बाबा चित्र छपाने के बाद वो चित्र सिर्फ छपाने की बात है या समझाने की भी बात है या चरित्र दिखाने की बात है? एक्यूरेट चित्र निकालने के लिए बोला छपाना और वो ही चित्र करके दिखाना, वो तो नंबर बार बाद में ही होगा, पहले सैंपल चाहिए। सैंपल एक ही होता है या ढेर के ढेर होते हैं? पहले तो एक ही होता है, बाबा कोई ज्ञान में चलने वाली माता है जिनके पास बहुत पैसा भी है, कपड़े भी बहुत हैं, परंतु कोई माता ज्ञान में चलने वाली है परंतु बहुत गरीब है, पैसा भी नहीं है,
कपड़े भी नहीं है। तो जो अमीर माता है वो उन माताओं को गरीब समझकर कपड़ा पैसा आदि दे सकती है क्या? ये सर्विस है या डिसर्विस है? है क्या बोला? सर्विस है। ज्ञान हाँ, ज्ञान में गरीब माता चल रही है और अमीर माता भी चल रही है। तो अमीर माता गरीब माता को सहयोग डायरेक्ट करे या न करे? उस कोने में कहता है नहीं करे, इस कोने में कहता है करे। बाबा से पूछ के करे है, इनडायरेक्ट पूछे, गुप्त रूप से पूछे, गुप्त रूप से मदद करे। कैसे? दूसरे को बताए बिना, दूसरे किसी को बताए बिना मदद कर सकता है? दूसरे किसी को बताए बिना भी करेगी तो गरीब माता के ऊपर उसका दबाव रहेगा या नहीं रहेगा? और उस दबाव का अमीर माता देह अभिमानी होने के कारण उपयोग कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो जवाब आया? क्या जवाब आया? फिर क्या करना चाहिए? हाँ, जो भी करना है बाप से लेन देन करना है और कोई से हमारा लेन देन नहीं होना चाहिए। बाप से लेन देन करेंगे तो बाप देने वाला बनेगा, दूसरों से लेन देन करेंगे तो दूसरे तो उसका गलत जायजा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? बाबा कहावत है मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन मियां निराकार और बीबी साकार तो मेल कम होता है, इसलिए काजी करना पड़ता है। बाबा ये काजी क्या होता है? काजी माने जजमेंट करने वाला जज। ओम शांति, ओम शांति।